नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका छात्र पैलेस के एक नए वीडियो में। आज हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा वैकेंसी निकाला गया है ब्रांच रिसीवर मैनेजर के लिए, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पूरा फुल डिटेल वीडियो और हिंदी में है, तो बिना स्किप किए देखिएगा। तो बिना का समय गवाए चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आज के वीडियो में हम लोग कौन कौन से पॉइंट को डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको वीडियो में सारी बात बढ़िया समझ में आ जाए। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा होगा पोस्ट एंड वैकेंसी, सेकेंड पॉइंट हमारा इंपोर्टेंट डेट्स, थर्ड पॉइंट हमारा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट, फोर्थ यानी कि चौथा पॉइंट हमारा है एप्लीकेशन फी एंड सैलरी, और लास्ट यानी कि फिफ्थ पॉइंट हमारा है सिलेक्शन प्रोसेसेस एंड हाउ टू अप्लाई। तो आपको इन सारे पॉइंट के वजह से यानी सारे पॉइंट के मद्देनजर रखते हुए आप सबको वीडियो में सारी बात बढ़िया समझ आ जाएगी। फिर भी अगर आपको कोई पॉइंट छूट जाए हमसे या फिर हम कोई बात छोड़ दें तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का बखूबी उत्तर देंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आज का वीडियो हम लोग पोस्ट एंड वैकेंसी से शुरू करते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा 159 पदों पे ब्रांच रिसीवर मैनेजर के लिए वैकेंसी निकाला गया है। फिर से मैं आपको बताता हूँ कि ब्रांच रिसीवर मैनेजर के लिए डिपार्टमेंट आपका है रिसीवेबल्स मैनेजमेंट वर्टिकल, और पोस्ट आपका है 159 पद आपका है इसमें वैकेंसी। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि इसके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें हम लोग तो ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी कि ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग 25/3/2022 से लेकर 14/4/2022 तक फिल किया जाएगा। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ऑनलाइन फॉर्म फिल करना 25/3/2022 यानी कि 25 मार्च 2022 से लेके 14 अप्रैल 2022 यानी कि 14 अप्रैल 2022 तक आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं ऑनलाइन मेथड से। तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको इतना सिस्टमेटिक वे में कोई भी वीडियो बनाकर नहीं देगा, जो कि हम आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लिए जॉब के लिए लाते रहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है और एज लिमिट क्या है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम लोग बात करें तो इसमें मैंडेटरी है ग्रेजुएशन डिग्री किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, और डिजायरेबल यहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर डिप्लोमा किसी भी डिसिप्लिन किसी भी सब्जेक्ट में। आप लोग फिर से देख लीजिए कि मैंडेटरी आपको है ग्रेजुएशन, और आपको डिजायरेबल है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या फिर डिप्लोमा। और इसके लिए जो एज लिमिट है वो है मिनिमम 23 ईयर्स और मैक्सिमम है 35 साल। मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ, एज आपका न्यूनतम उम्र 23 साल होना चाहिए और अधिकतम उम्र 35 साल होना चाहिए, जो कि आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिखा हुआ है, और हम सब ऑफिशियल नोटिफिकेशन लास्ट में देख लेंगे, जिससे कि आपको सारा डिटेल बढ़िया से पता चल जाए, आप सबको भरोसा हो जाए कि वीडियो रियल है, कोई फेक वैकेंसी का वीडियो नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि इसके लिए एप्लीकेशन फ़ी क्या है और इसके लिए सैलरी कितना है। तो एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी और वुमेन कैंडिडेट के लिए 100 रुपया है, ठीक है। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी और वुमेन कैंडिडेट के लिए 100 रुपया है, प्लस जो आपका एप्लीकेबल टैक्सेज है और पेमेंट गेटवे का चार्ज है वो लगा के आपको ये आपको 100 रुपया होगा। और जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए है 600 रुपया, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 600 रुपया है। तो आप एप्लीकेशन फ़ी देख लिए, और सैलरी की बात करें तो यहाँ पर सैलरी क्लियरली नहीं लिखा गया कि कितना आपको सैलरी दिया जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि ऑफर सैलरी ऑफर्ड बेस्ड ऑन कैंडिडेट्स क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ओवरऑल सुटेबिलिटी लास्ट ड्रॉन सैलरी ऑफ द कैंडिडेट एंड द मार्केट बेंचमार्क एंड शैल नॉट बी लिमिटिंग फैक्टर ऑफ द सुटेबल कैंडिडेट। यानी कि इसमें आपको जो सैलरी है वो नेगोशिएबल है, यानी कि आप सबसे डिस्कस करके सैलरी दिया जाएगा, यानी कि सैलरी फिक्स नहीं किया गया है। इसमें आपके शैक्षणिक जो आपका क्वालिफिकेशन है, आपका एक्सपीरियंस है, आप पिछली बार कितना सैलरी लिए थे और मार्केट में कितना इस पोस्ट के लिए सैलरी है, उसके हिसाब से आप सबको सैलरी दिया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि हमें इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा और अप्लाई कैसे करना है। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें हम लोग, सिलेक्शन आपका शॉर्ट लिस्टिंग के बाद इंटरव्यू के बेसिस पे होगा, और अप्लाई करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहाँ पर जाके क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। लिंक पे क्लिक करने के बाद आप सब जो आएगा आपको फॉर्म फिल करने के लिए, उसमें आप लोग बढ़िया से डॉक्यूमेंट फिल कीजिएगा, जो भी आपका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में कितना इमेज आपको आप इमेज सबमिट करेंगे या फिर साइन सिग्नेचर देंगे आप लोग, तो वहाँ देख लीजिएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कि कितना MB या कितना KB आपको फाइल सबमिट करना है। डॉक्यूमेंट सबमिट करते वक्त में खासा से ध्यान रखिएगा कि आप लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दीजिएगा और इसमें कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे। और क्या बोलते हैं इसको, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप सब जो एप्लीकेशन फ़ी है उसे भी पे करते वक्त ध्यान रखिएगा कि कोई गड़बड़ी ना हो। तो अब हम जाके देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या सब जानकारी दी गई है।
लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे सिस्टमेटिक वे में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के जॉब के जॉब अपडेट, एग्जाम अपडेट, रिजल्ट अपडेट, इंटरव्यू अपडेट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो वीडियो आते रहता है, साथ में सिलेबस का वीडियो भी आता है। तो आपको इस पोस्ट के लिए सिलेबस का चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए सिलेबस का वीडियो लाने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या सब जानकारी दी गई है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आप लोग क्लिक कीजिएगा तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा, जो वैकेंसी निकाला गया है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं ब्रांच रिसीवर मैनेजर के लिए, और इसके लिए फॉर्म फिल करना 25 तारीख शुरू होगा और लास्ट डेट आपको और फी सबमिशन का आपको डेट है 14/4/2022। इसके लिए वैकेंसी देख सकते हैं 159 है, मिनिमम एज देख सकते हैं 23 और मैक्सिमम 35 है। और आप लोग जाके देख लीजिए जो भी आपका यहाँ पे, और यहाँ पे आप लोग स्टेट वाइज देख सकते हैं कि किस स्टेट के लिए कितना पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। उसके नीचे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको रिजर्वेशन दिखा देख सकते हैं कि कौन से कैटेगरी के लिए कितना रिजर्वेशन है। उसके नीचे आपको जो भी एज लिमिट में जो आपको दिया जाता है रिलैक्सेशन, उसके बारे में भी आपको जानकारी दिया गया है। उसके नीचे एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बताया गया है। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं रेमुनरेशन में आपको यहाँ दिया गया है कि कितना वो सैलरी के बारे में, कि आपको सैलरी कैसे डिसाइड किया जाएगा। तो फटाफट से ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, क्लिक कीजिए और जाके ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन को बढ़िया से पढ़ने के बाद, एक एक बात समझने के बाद आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन दिया गया है। लिंक पर क्लिक कीजिए, जाके अप्लाई कीजिए। और आप सभी कैंडिडेट को जो फॉर्म फिल कर रहे हैं उन्हें पहले ही इंटरव्यू से पहले आपको हम शुभकामना देना चाहते हैं कि आप लोग का फॉर्म आ चुका है वैकेंसी के लिए। आप लोग फॉर्म फिल कीजिए ग्रेजुएशन स्टूडेंट के लिए और पोस्ट ग्रेजुएशन और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्लिक कीजिए, अप्लाई कीजिए और अपना तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तब हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का बखूबी उत्तर देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही जॉब नोटिफिकेशन पाने के लिए रिजल्ट अपडेट, एग्जाम अपडेट और जो अभी आपका होता है इंटरव्यू अपडेट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सिलेबस से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको यहाँ पर एकदम ओरिजिनल वीडियो मिलेगा बिना किसी मसाले तड़के का। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।